उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में, जहां पर मतगणना हो रही है। जैसे ही रुझान आया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, तो यहां पर जो भाजपा के समर्थक थे वो बुलडोजर लेकर के आ गए। आप देख सकते हैं ये बुलडोजर लेकर के लोग आ रहे हैं, उस पर चढ़े हुए हैं। हम उनके साथ चलेंगे, पास चलेंगे और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, आखिर ये बुलडोजर को लेकर के क्यों यहाँ पर आए हैं और इनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे समर्थक जितने भी हैं भाजपा के, वो बुलडोजर लेकर के आए हैं। बुलडोजर यहाँ चल भी रहा है और कुछ लोग जो हैं वो बुलडोजर पर जो है वो चढ़े हुए हैं और जयकारे लगा रहे हैं, साथ ही साथ गीत भी गा रहे हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप देख सकते हैं ये गीत भी गा रहे हैं। हम अपने सहयोगी से दिखाएंगे एक बार, ये लोग गाना भी गा रहे हैं और बहुत खुश हैं भाजपा के समर्थक चंदौली में। तो हम इनसे बात करने की एक बार कोशिश भी करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका भाई साहब? तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप सिंह, ये बताइए कि बुलडोजर से कहां सवारी जा रही है? जा रही है स्थल पर, प्रदेश भर में चलेगी बुलडोजर। अब ये सीधा संदेश दिया जा रहा है कि अपराधी अपने अपने घरों में रहें, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सीधा बुलडोजर उनके घरों पे चलेगा। अब सीधा संदेश है, ये बाबा का बुलडोजर है। ये बताइए तेज प्रताप जी, आपका क्या कहना है, कितने खुश हैं आप लोग और किस तरह जश्न मना रहे हैं? तो देख रहे हैं जश्न मना रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुश है, खुशी कोई सीमा नहीं है। महाराज जी की सरकार बन गई फिर तो हमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं। कुछ और लोग इनसे हम एक सवाल ले लेते हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? ब्रजेश सिंह रिंटू। रिंटू, ये बताइए कि जश्न इस तरह से क्यों मन रहा है बुलडोजर पर? ये योगी बाबा का बुलडोजर है, योगी जी का बुलडोजर है। देश में सुशासन रहो, प्रदेश में सुशासन है होगा, यहाँ पे अत्याचार नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं होगी और जो भी होगा सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, ये नारा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी का पालन होगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ समर्थक नीचे भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आप इधर आ जाइएगा, क्या कहना है आपका? हेलो, क्या कहना है आपका? हम लोग बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीते हैं और योगी सरकार फिर से आ गया है अपराधियों पे नकेल कसने के लिए, फिर से हम लोग मजबूती से आ गए हैं और अपराधियों के को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? राम कबिलास सिंह। क्या कहना है आपका इस चीज पर? कहना है कि जो सपा सरकार में माफिया थे उनके सफाया के लिए मोदी जी ने व्यवस्था किया बुलडोजर का। तो ये आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए नवीन नस्ल की तरफ ये जा रहा है बुलडोजर, इसको भी एक बार ये दिखाते चलें। और साथ साथ नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है और हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से कुछ बात करने का। और ये चंदौली में नवीन मंडी स्थल जहाँ मतगणना हो रहा है, वहाँ पर ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, जिस पर भाजपा के समर्थक हैं जमकर ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि बुलडोजर जो है वो अपराधियों पर चला है, पिछले 5 सालों में चला है और अब जो है वो लगातार बुलडोजर अब आगे भी चलता रहेगा। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।